यूपी में महिलाओं के साथ दरिंदगी की घटनाएं मानो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बुलंदशहर में एक बार फिर गैंग रेप की घटना सामने आई है। मामला छतारी थाना क्षेत्र का है, जहां एक नाबालिग के साथ बलात्कार किया गया, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश में है पुलिस। इधर पीड़िता के मुताबिक वो अपने घर से निकली काम के लिए जंगल की तरफ गई। युवकों ने धर दबोचा, बलात्कार किया, वीडियो भी बनाया, उसे वायरल भी कर दिया। एक लड़का भीखपुर गांव की है, एक लड़का था, उससे जो लड़के से इसके कुछ संबंध थे, उसने उसके साथ में गांव से करीब 100 मीटर दूर ले जाके एक जगह थी, वहाँ कुछ पोखर तालाब टाइप का है, वहीं साइड में वो अपना जो है दोनों चले गए। उसके साथ में जो लड़का गया अजब सिंह का लड़का है, वो भी उसके साथ में था दूसरा लड़का, तो उसने उसकी वीडियो बना ली, वीडियो बना के अपलोड कर दिया, वायरल कर दिया। और फिर जब घरवालों को पता चला तो फिर ये कल दिनांक 8/1/2020 को इन्होंने मुकदमा दर्ज किया। अनुभव शर्मा से जानकारी लेते हैं। अनुभव, बताइए क्या अपडेट मिल रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि बुलंदशहर से एक बार फिर जो शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ दो गांव के ही दमंग युवकों ने जबरन से जंगल में कैद के साथ गैंगरेप किया, साथ ही उसकी वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। आरोपी यहीं तक नहीं रुके। आपको बता दूं कि जो पीड़ित नाबालिग लड़की है, उसको धमकी दी जान से मारने की, उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है कि अगर घर पर बताया तो जान से मार दिया जाएगा। इसलिए जो पीड़िता है वो चुप रही। कहीं ना कहीं जब जो वीडियो था वो वायरल हुआ, उसके बाद जब उसके परिजनों को पता चला तो आनंद फानंद में उसके परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हुए पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा। उसके बाद अब पुलिस लगातार जो दबिशा दे रही है और आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। चलिए, आरोपियों को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाता है इस केस का, कम से कम अभी तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। शुक्रिया आपका अनुभव तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, जैसे कोई अपडेट आती है आपका रुख करेंगे। तो ये खबर है बुलंदशहर से। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।